अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। मैं भी आपकी दुआ से ठीक ठाक हूँ। मैं साफ सॉल्यूशन की तरफ से एक आज नए सॉफ्टवेयर के डेमो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज का सॉफ्टवेयर है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, जो उसमें जितने भी क्लासेस होते हैं उसमें कुछ तो हम मैनेज कर रहे हैं, बाकी कुछ इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। उनकी सारी डिटेल इसमें बताएंगे। तो हमारा सब सॉल्यूशन चैनल है यूट्यूब पे, उस पर हम जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसकी वीडियो कंप्लीट ओवरव्यू के साथ अपलोड कर देते हैं, ताकि उसमें कंप्लीट आप उसमें इसकी फंक्शनैलिटी और उसके जितने जितने उसमें फीचर्स हैं वो सारे आवाज कर सकें। जैसे ये इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंस्ट्रक्शन का है, और पॉइंट ऑफ सेल है, मेडिकल स्टोर का है, हाउसिंग स्कीम का है, पेट्रोल पम्प और ETC, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपको कोई भी इनमें से सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा ऊपर यूट्यूब चैनल पे ही नंबर की मैंने। तो आज के सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। इसमें जो है ना स्कूल मैनेजमेंट, जब आप इसको इंस्टॉल करवा लेंगे, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये इसको जो है कंप्यूटर या लैपटॉप पर आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें लॉगिन करते हैं। फर्स्ट ये हमने लॉगिन कर लिया है। इसमें जो चीज़ें मैनेज होंगी वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपके अकाउंट मैनेज होंगे। अकाउंट मींस जैसे स्कूल में जो जितने भी अकाउंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जीपी फंड का अकाउंट है, लाइब्रेरी का फंड है, साइकिल का फंड, साइकिल उसका फंड है, या कुछ भी जितने भी आपके अकाउंट होते हैं स्कूल में, उसमें ये सारे अकाउंट मैनेज होगा। एम्प्लॉज़ आपके जितने भी हैं, आपके जो है ना टीचर्स हैं, उसके बाद क्लर्क्स हैं, अकाउंटेंट है, माली है, कुक है, जितने भी होते हैं वो सारों का अकाउंट मैनेज होगा इसमें। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना आपकी एडमिशन होगा और फीस मैनेज होगी। फीस आपकी मंथली बेसिस पे जो है ना जितनी भी ले रहे हैं उनको सारों को आपको बताएगा। एक्सपेंस जो अखराजात हैं आपके, ये मैनेज करेगा। इसमें कोई भी दो डेटों के दरमियान आप चेक कर सकेंगे कि हमारी जो है कितनी फीस कलेक्ट हुई है और एक्सपेंस हमारे कितने और नेट हमारा कितना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। पहले हम अपने अकाउंट इसमें ऐड कर लेते हैं कि अकाउंट हमारे कौन कौन से हैं। मैनेज अकाउंट में चले जाएं, यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट कर लें। फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर 2 जितना भी अकाउंट का नंबर है आपका, ये है हमारा GPF का अकाउंट है, GP फंड का जो होता है, ठीक हो गया। ब्रांच हम इसको स्कूल का जो भी नाम है वो ले सकते हैं, अन्य हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। एक हमारा ये अकाउंट हो गया। उसके बाद अगला जो है ना वो अकाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 225 जो भी अकाउंट नंबर है, ये हमारा है स्कूल फंड, ठीक है, स्कूल फंड का एक अकाउंट है। उसके बाद अगला जो अकाउंट है हमारा 100 इसका अकाउंट नंबर है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल टूर का एक अकाउंट आपने बनाया हुआ है। इसमें स्कूल के मंथली बेसिस पे कुछ लोगों से कलेक्ट करते रहते हैं स्टूडेंट्स से, और टूर उस पर अरेंज करते हैं, ये टूर का अकाउंट है। इसी तरह जितने भी आपके अकाउंट हैं वो आप जो है ना फिर फॉर एग्जांपल 101 नंबर अकाउंट जो है ना वो HBL में स्कूल का अकाउंट है, HBL अकाउंट, ठीक है। ये जितने भी अकाउंट हैं ये एक मरतबा हमने ऐड कर लेने हैं सिस्टम में, ठीक हो गया। अब हमने जब सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो उस वक्त हमने लिखना है कि इसमें ओपनिंग कितना अकाउंट है। ऐड डिपॉजिट पे चले जाएं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें GPF में, फॉर एग्जांपल हमारे पास 25,000 अवेलेबल है, ठीक है। ये है ओपनिंग बैलेंस ऑन, आज डेट है 29/9/23, ठीक हो गया। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, अब सितंबर का एंड है, तो इसका हमने ये इसमें देख लिया। रिफ्रेश करेंगे तो ये बता देगा कि कितना बैलेंस इसमें अवेलेबल है। अब दूसरे अकाउंट में हम ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल फंड में इस वक्त हमारे पास 15,000 अवेलेबल है, ठीक है। ये है बैलेंस 29/9/23, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी भी अकाउंट में आप ऐड कर लेंगे कि कितने कितने अकाउंट हैं। इसमें से अगर इस अकाउंट में से आप विड्रा करना चाहते हैं कोई अपने पर्सनल यूज़ इसके लिए, स्कूल के लिए, किसी के फंड के लिए, तो इसमें विड्रा भी कर सकते हैं। इसमें विड्रा में चले जाएं, यहाँ से आप सेलेक्ट करें GP फंड से आप निकलवाना चाहते हैं जितनी अमाउंट निकलवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 जो है ना आपने पेमेंट फॉर किसी भी रीज़न के लिए, जो भी रीज़न होगी वो आपने अपने रिमार्क्स यहाँ लिख सकते हैं, एनी रीज़न, ठीक है, जो भी रीज़न होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
ये इसमें से मैनेज हो जाएंगे, बाकी आपको बताता रहेगा सिस्टम। ये देखें बाकी जीपी फंड में आप डिटेल में जाते हैं, ये देखें ये 2500-1500 आपने इसमें से आउट किए हैं, ड्रॉन किए हैं, ये पेमेंट ऑफ एन जो भी रीज़न आप लिखेंगे ये अपने पहले से। इसी तरह जो मज़ीद इसमें आएंगे जाएंगे ये सारा मैनेज करेगा, इसी तरह जितने भी आपके ये अकाउंट हैं ये सारे मैनेज होंगे इसी तरह से। और नीचे सिस्टम टोटल का सम करके आपको बताएगा कि इस वक्त सारे अकाउंट मिला के आपके कितने हैं। इसी तरह एक फीस का अकाउंट आप बना लेते हैं, वो हम बनाते हैं इसमें एड डिपॉज़िट, इसमें जो है ना 650 है अकाउंट नंबर, ये है आपका फी अकाउंट, ठीक है, जो आप फीस स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं वो इसमें आएगी, ठीक है, ये हमने बना दिया। और आज जब हम सिस्टम शुरू करने लगे हैं तो आज इसमें हम लिख देते हैं कि कितने हमारे हैं फी अकाउंट में, 55,000 अवेलेबल हैं, ये है बैलेंस ऑन 29/9/23। इसी तरह जितने भी अकाउंट, बताने का मकसद ये है कि जितने भी आपके अकाउंट हैं वो आपसे सारे इसमें मैनेज होंगे। ये आप जो फीस अकाउंट में इतने हैं, नीचे सारा अपडेट हो गया है। अगला ये हमने टैप कर लिया, अब अगला है एम्प्लाई मैनेजमेंट। एम्प्लाई में ये है ऐड अपडेट एम्प्लाई, इसमें हम अपने एम्प्लाई मैनेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राशिद है, ठीक है, राशिद साहब जो हैं इनका डेजिग्नेशन क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टीचर हैं, इनका फ़ोन जो भी है और किस सिटी से हैं, ये लाहौर से हैं, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। इसी तरह अगला जो है वो है आसिफ शाह, आसिफ शाह साहब टीचर हैं और ये भी लाहौर से हैं, ये भी हमने ऐड कर दिया, दो टीचर। इसी तरह बाकी जितने भी आपके होंगे वो ऐड कर लेंगे। अब आप जो है ना, जब इधर एम्प्लाई पोर्टल में जाते हैं, इधर आप डेली बेसिस पे इनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। इधर आपने सेलेक्ट सेलेक्ट कर दिया, राशिद साहब हैं, प्रेजेंट हैं, रिमार्क्स कोई भी लिख के आप डेली बेसिस पे सेव करते हैं, ये इसकी हो गया। अगला है आसिफ शाह साहब हैं, लीव पे हैं, फॉर अर्जेंट जो भी उनकी लीव की रीज़न है, ठीक है, वो आप इंटर कर देंगे। अब इधर कोई भी दो डेट का, फॉर एग्जांपल एक पूरे महीने के, ये सितंबर के, आप जो है ना सितंबर की आज तक जो है आप राशिद साहब की चेक करना चाहते हैं कि वो कितने दिन वो उनके अटेंडेंस हैं और कितने दिन वो अब्सेंट रहे हैं, इधर सारा रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा। ये देखें एक दिन हमने उसकी लगाई, एक दिन प्रेजेंट, अब्सेंट कोई नहीं है, लीव कोई नहीं है, तो इसमें आप उसकी सारा हिसाब किताब कर सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो उसकी अटेंडेंस जो उसके जो पे आपने बनानी है वो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि कितनी कौन कितने दिन वो प्रेजेंट है, कितनी अब्सेंट है, वो सारा बना सकते हैं। डेली बेसिस पे आपने ये अटेंडेंस लगा देनी है। ये हो गया आप जो है ना एम्प्लाई अकाउंट मैनेजमेंट है, ये इसमें सारे का अकाउंट मैनेज होगा। ऐड एम्प्लाई पे, आप इसमें इसमें जाएंगे जब आप यकम को किसी की पे उसकी इंटर करनी है, ये इसमें सेलेक्ट करें, राशिद साहब की जो है आपके 45,000 पे है, वो आपके इनके अकाउंट में जमा करा देते हैं। सैलरी September 23, ठीक है, ये इनके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। रिफ्रेश करते हैं, ये इधर बता देता है कि इसके अकाउंट में इतनी है। इसी तरह आप दूसरे आसिफ शाह साहब है, उनके अकाउंट में जो है ना आप 60,000 कर देते हैं सैलरी September 23, ठीक हो गया, ये अब इनके अकाउंट में आ चुकी है, ठीक है। अब एम्प्लाई जो हैं, एम्प्लाई पोर्टल पे जब जाते हैं, ये एम्प्लाई पोर्टल है, इसमें जब जाते हैं अकाउंट मैनेजमेंट में, तो इसमें बता रहा है सिस्टम कि इनकी इतनी इतनी सैलरी आपके अकाउंट में जमा है। अब ये विदड्रा करवाना चाहता है, आपसे अकाउंट लेना चाहता है, आप एम्प्लाई विदड्रा में जाएँ, इसमें जो है राशिद साहब है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे नहीं लेते, ये आपसे 25,000 ले लेते हैं फॉर एनी रीज़न, जो भी ये रीज़न बताते हैं ये आपने यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, बाकी सिस्टम बता रहा है कि 20,000 इसके आपके पास पेंडिंग है, इसमें क्लिक करें, ये इसमें सारी डिटेल आ रही है कि 20,000 इसके पास बाकी आपके हैं। आप जो है इसी तरह दूसरा जो है दूसरे साहब भी ले लेते हैं, आसिफ शाह साहब, वो 60,000 पूरे ले लेते हैं एनी रीज़न, रीज़न जो भी है उन्होंने विड्रा कर ली है, इनका बैलेंस ज़ीरो है। इसी तरह ये जो है ना आसिफ शाह साहब, मज़ीद आपसे ले लेते हैं
ये कहते हैं जी मुझे 2000 की ज़रूरत है, एनी रीज़न, ये मेरिस में आ जाएगा। अगले मंथ जब भी इसकी आप सैलरी डिपॉजिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पहले ये कट होंगे फिर इसको बताएगा। इसी तरह सारे जितने भी आपके एम्प्लाई हैं उन सारों का अकाउंट मैनेज होगा यहाँ पे एम्प्लाई पोर्टल में, या अटेंडेंस भी मैनेज होगी और उनका जो वो है अकाउंट वो भी मैनेज हो गया। ये दो काम कर लिए। अब अगला काम है स्टूडेंट वाला। स्टूडेंट में जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ ये फीस मैनेज फी है, इसमें हमने इंटर करना है कि आपने कौन कौन सी फीस रखी हुई है शुरू में जब। फॉर एग्जांपल एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस है, इसको हम फी लिख लेते हैं टाइप में, और ये जो है ना 4500 है, ठीक है, ये हमने ऐड कर ली है। इसी तरह है कोई जो है, इसके अलावा क्या होता है, लाइब्रेरी फंड है, लाइब्रेरी फी है, लाइब्रेरी, चलो ठीक हो गया, जो भी सब पहलेंगे उसके क्या, इसकी जो है ना 2500 लाइब्रेरी फी है, लाइब्रेरी को सब पहलेंगे ठीक कर लेते हैं, LIBRARY, आई थिंक ये होते हैं, हो सकता है कोई गलती होगी तो माफ़ फरमा दीजिएगा। ये हो गया लाइब्रेरी। उसके बाद जो है हमारा हॉस्टल फी है, हॉस्टल फी जो है वो है 1500, ये भी हम फी कर देते हैं। इसी तरह जितने भी आपकी फीसेस हैं वो शुरू में आपने ऐड कर देने, जो एडमिशन के वक्त आपने करते हैं, ठीक है, एक बार तो ऐड कर देना है। अब हम नया स्टूडेंट इसमें रजिस्टर कर रहे हैं, ये ऐड स्टूडेंट है, ऐड स्टूडेंट, जब भी नया कोई स्टूडेंट आता है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगी। इसमें रोल नंबर यहाँ पे लिख लें, इसमें उसका नाम और रहील सन ऑफ कमाल, ठीक है, इसका CNC बी फॉर्म पे जो भी है, इसका फादर का ऑक्यूपेशन क्या करता है, एड्रेस क्या है, ऑफिस एड्रेस उसके फादर का क्या है, फ़ोन उसका लिख सकते हैं स्टूडेंट का, फ़ोन 2 लिख सकते हैं, ये जो है ना एक्टिव है या इनएक्टिव है, पास्ड आउट है ये आप चेंज कर देंगे, स्टेटस टर्मिनेटेड है, एबसेंट है, जो भी है, फ़िलहाल शुरू में एक्टिव लिखते हैं, ये गार्डियन उसके जो है ना वालिद साहब हैं तो उनका लिख दें, या कोई भी गार्डियन है उसका सारा डिटेल लिख दें, गार्डियन 2 अगर कोई है तो उसका लिख दें, अगर इसकी फ़ोटो अवेलेबल है स्टूडेंट की यहाँ पे क्लिक करें, फोटो ऐड करते हैं, ठीक है, ये हमने स्टूडेंट रजिस्टर्ड कर लिया है एक, ठीक है। अब हमने इसको एडमिशन देना है, एडमिशन के लिए टेक एडमिशन पे जाना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है कि कौन कौन सी ऐसे फीस लेनी, फॉर एग्जांपल एडमिशन फीस है ये सेलेक्ट कर दिए, 4500 बन गया। अगली है इसकी लाइब्रेरी फीस, इसे हमने लेनी, जो जो लेना है वो हमने सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हॉस्टल फीस है, अगर ये हॉस्टल में रहना चाहता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 है, इसका 8500 बन गया, इसने 8500 दे दिया हमें, इसका एडमिशन हो गया। और ये जो है क्या करता है कि ये मंथली जो है ना, इसने फीस हमने इससे की हुई है वो है 2500 मंथली, इसने जमा करानी है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने सेलेक्ट कर देना है कि ये जो फीस है इसने 8500 दिए, आप किस अकाउंट में भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप फी अकाउंट में जमा करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने देख देना है कि फर्स्ट फीस ये किस डेट को देगा, ठीक है, आज से चूंकि एडमिशन ले रहा है तो नेक्स्ट फर्स्ट फी जिस डेट को देनी है आगे सिस्टम खुद ब खुद लेके चलेगा। इसमें ही आपने आपने जो है ना उसका अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं, नाम से सर्च कर सकते हैं कौन सा स्टूडेंट है, ठीक हो गया। और ये चेकआउट पे आपने क्लिक कर देनी है, रिसिप्ट आपको चाहिए अगर तो ठीक है, उसको अगर आपने प्रिंट करके देना है एडमिशन की रिसिप्ट ठीक है, अदरवाइज नो कर दें, रिसिप्ट प्रिंट नहीं होगी देखा, ये एडमिशन इसकी एंट्री हो जाएगी। अब आप जो है ना इसकी ये देख सकते हैं, अब पहले हम अकाउंट में देखते हैं फी अकाउंट में ये आया है कि नहीं, ये फी अकाउंट में देखते हैं, ये देखें, ये इसके 8500 जो अकाउंट नंबर 1 से आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह जो है अगला काम अब हमने ये करना है कि ये जो है ना इसकी फीस जमा करनी है, या इसकी अगला देखना है कि फीस इसकी जब ड्यू होगी, तो इस वक्त ये है एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट का मतलब ये है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे रोल में हैं, एनरोल हैं, ठीक है, उन सारों का यहाँ पे आ रहा होगा, ये देखें, इसका जब जिस स्टूडेंट की फीस ड्यू हो जाएगी तो वो रेड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है,
जो आपने डेट रखी हुई है, वो डेट जब आ जाती है तो ये रेड हो जाएगा इस तरह से। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट की फीस ड्यू हो चुकी है। ठीक है, ये सारे का प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं सारी लिस्ट का। तो इसको जब आपने ये इसमें आप आपने इसकी जमा करनी है फीस। ठीक है, जमा करने के लिए इस पर क्लिक करें, ये डिटेल इसकी आ जाती है कि स्टूडेंट का नाम ये है, इसका रोल नंबर ये है। ठीक है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्लास इसकी जो है ना, हमने इंटर नहीं की, क्लास इसकी 00 आ रही है, क्लास इसकी इंटर कर लेते हैं। वैसे न्यू स्टूडेंट, इसमें किसी का डाटा कोई अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, और क्लास ये है जो है ना नर्सरी में है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अपडेट भी कर सकते हैं कोई भी डाटा, पहले हमने जो लिखा है इसका फॉर एग्जाम्पल फ़ोन नंबर, बाद में हम लिखना चाहते हैं तो वो भी हम बाद में भी 888-6763-8600 जो भी है वो आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हमने इसकी क्लास ऐड कर दी है तो ये इधर इसकी क्लास आ गई होगी। इसमें क्लिक करते हैं, ये देखें क्लास नर्सरी आ गई है। ठीक है, इसकी अब फीस हमने जमा करनी है, ये इसका डिटेल आया टोटल, अभी तक ये 8500 जमा करा चुका है, ये 2500 इसकी फीस है। अभी आप देखें तो इसकी ड्यू हो चुकी है, ये डी हो चुकी है क्योंकि ये रेड हो गई है। अब हमने ये जमा करेंगे तो इसकी ड्यू डेट है 29/9, ये ऑटोमेटिकली अगले महीने पे शिफ्ट हो जाएगी, फिर जाके अगले महीने की जो जो भी डेट आपने डाली हुई है उस पे जाके ये रेड होगी। इस पे क्लिक करें, 2500 जमा करें। ठीक है, रिसीव किसने किया वो लिख लें, रिमार्क्स कोई भी दे सकते हैं इसके बारे में। ये अब जो फीस जमा हो रही है किस अकाउंट में जमा कर रहे हैं, हम फीस अकाउंट में जमा कर रहे हैं। ठीक है, और सेव पे क्लिक करते हैं। ये सिस्टम पूछ रहे थे इसको आपने रिसिप्ट देनी है, ये जो फीस जमा कराई है, हमने कहते हैं जी हमने इसको देनी है। तो इस तरह हाफ पेज पे इसकी रिसिप्ट जनरेट हो, जैसे स्कूल का नाम इधर लोगो आ जाएगा, इधर के 2500 थैंक्स पर जमा, इधर सिग्नेचर वगैरह करके इसको जमा करवाते हैं, ये इसकी रिसिप्ट है। ठीक है, फीस ये जमा हो गई है, अब इसके टोटल अभी तक ये 11000 जमा करा चुका है। ठीक है, एक्टिव में जाते हैं तो ये देखें अब नॉर्मल हो गया है, अब ये आपको 29/10 को जाकर रेड होगा। इसी तरह आपके 500 स्टूडेंट हैं, 1000 स्टूडेंट हैं, जो जो ड्यू होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, वो रेड हो जाएंगे, जिनकी ड्यू नहीं होगी वो इस तरह नॉर्मल आ रहे होंगे। ठीक हो गया, और जैसे जैसे जो भी ड्यू होता जाएगा वो उसमें रेड हो जाएगा, वो उसमें आप क्लिक करें, उसकी जमा करते जाएं और ये सारा चलता रहेगा। इसमें आप देखना चाहते हैं अनपेड कितने हैं, तो अनपेड अभी कोई भी नहीं है, यानी जिनकी ड्यू हो चुकी है, जिन्होंने जमा नहीं कराई, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो सारे अलहदा हो जाएंगे, उनका प्रिंट ले सकते हैं। पेड का यहाँ करेंगे तो ये आ जाएंगे, एक मंथ से जिन्होंने जमा नहीं कराई वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिन्होंने 2 मंथ से जमा नहीं कराई, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2 मंथ से पेंडिंग है वो चेक कर सकते हैं, 3 मंथ से जो पेंडिंग है वो चेक कर सकते हैं, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ से कोई जो पेंडिंग है ये सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस किस की कितनी जमा हुई, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ रही होगी। ये इसमें जो है ना एसएमएस की भी ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे पास ब्रांडेड एसएमएस सर्विस अवेलेबल है। ब्रांडेड एसएमएस सर्विस वो सर्विस होती है जिसमें आप की जो भी आपको मैसेज रिसीव होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक के नाम के साथ मैसेज आते हैं, किसी नंबर से नहीं आते हैं। तो ये सर्विस हमारे पास अवेलेबल है, पहले आपको ब्रांड नेम अपना रजिस्टर करवाना होगा, उसके बाद जो भी आपके मैसेज होंगे वो ब्रांड नेम से जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स को या ये जितने भी आपके एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल हैं, उन सारों को आप कोई भी मैसेज करना चाहते हैं अपने ब्रांड से, पहला मैसेज तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें कि जितने भी आपके ड्यू हो चुके हैं, जिनकी फ़ीस ड्यू हो चुकी है, उनके पेरेंट्स का जो ये आपने यहाँ पर अपने नंबर डाला हुआ है उस पर जो है ना एक ही क्लिक पर सारों को मैसेज चला जाएगा, डियर पेरेंट आपके जो स्टूडेंट, इसका जो भी नाम है, रोल नंबर, क्लास इसका, ये इसकी जो फीस है वो ड्यू, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, इनकी फीस ड्यू हो चुकी है, प्लीज़ डिपॉजिट योर मंथली फी। ठीक है, ये मैसेज चला जाएगा। उसके बाद कोई भी मैसेज करना चाहते हैं अपने क्लास वाइज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एक क्लास को करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगी, ऑप्शन आप क्लास सेलेक्ट करें, मसलन कल छुट्टी है किसी भी वजह से, या एग्ज़ाम की कोई भी कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी, तो वो आप करवा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में मैसेज सेंड करने की अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, आपने पैकेज लेना होगा, आजकल जो है ना कॉस्टली है, ये डॉलर रेट इंक्रीज होने की वजह से ब्रांडेड एसएमएस सर्विस उसमें नॉर्मल एसएमएस से थोड़ा कॉस्टली होता है, तो वो अगर आप करवाना चाहते हैं तो पहले ब्रांड नेम पीटीए से रजिस्टर होता है वो करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना आप वो एसएमएस सर्विस यूज़ कर सकेंगे अगर वो करना चाहते हैं। इसमें यह भी है, यहाँ से आप उसको अलर्ट का मैसेज दे सकते हैं फीस ड्यू होने पर, और आप ये भी कर सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर फी उसकी जमा करते हैं तो आपको एक्सेप्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो नंबर आपने उनके गार्डियन का लिखा होगा उसमें मैसेज चला जाएगा कि डियर पेरेंट आपको थैंक्स फॉर डिपॉजिट फी ऑफ दिस, और आगे स्कूल का कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। ठीक हो गया,
ये हो गया इसका। अब हर स्टूडेंट का आपको इसमें जो है अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट अटैच करने की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल उसका कोई भी फॉर्म है, उसके गार्डियन का जो फॉर्म आपने शुरू में फिल किया है वो आप अटैच करना चाहते हैं, जो एडमिशन फीस है और जो कोई कोई भी उसके जो रोल नंबर है उसका आप उसकी हिस्ट्री जो है ना कम्प्लीट वो जमा करना चाहते हैं, तो वो आप ये अटैच डॉक्यूमेंट है इसमें चले जाएँ। यहाँ पर उसकी डिटेल लिखें कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, ये आप लिखें। यहाँ पे चूज फाइल करें, किसी भी किस्म की फाइल जो है ना वो चूज करके, फॉर एग्जाम्पल ये वाली फाइल है, ये आपने इसके साथ अटैच कर दिए। इसी तरह डॉक्यूमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच करते जाएंगे ये अवेलेबल होंगे। अब आप देखना चाहते हैं कभी भी कि इसके साथ हमने क्या क्या अटैच किया हुआ, तो इसमें चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट वर्ड की है, ऑफिस की है, एक्सेल की है, कोई पिक्चर है, कुछ भी है, तो वो आपके यहाँ पर अटैच हुई होगी, आप वो देख सकेंगे किसी भी वक्त, ठीक हो गया। हर अकाउंट के, हर उस रूल नंबर के अगेंस्ट अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट अटैच करने की इसमें ऑप्शन है, वो आप अटैच कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये फीस आपका हो गया, और इसमें ये है कि ये आपकी अकाउंट की समरी है, कोई भी दो डेटों के दरमियान आप, फॉर एग्जांपल आज के दिन आप ऑल एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो ये देखें, एडमिशन एक आपको 4500 का रिसीव हुआ है, लाइब्रेरी फीस है, हॉस्टल फी है, अकाउंट नंबर कस्टमर सॉरी स्टूडेंट जो है ना स्टूडेंट का रूल नंबर 1, और मंथली फ़ी जो है ना 2500, ये 1 रही सान आप उसकी, टोटल आपके पास 11000 आज के उसमें होनी चाहिए, जितनी आपकी रिसीविंग है नेट आपकी, एक 11000 रिसीविंग होनी चाहिए जितनी भी रिसीविंग आपकी है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना हमारा एक्सपेंस हैं जो अखराजात आपके डेली बेसिस पे होते हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस में यहाँ पे आपने एक्सपेंस में चले जाना है, यहाँ एक्सपेंस ऐड एक्सपेंस की कैटेगरी, कैटेगरी में आपने जितने भी एक्सपेंस के हेड हैं वो एक मरतबा आपने बना देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है ये है शॉप तो नहीं होगी आपकी, स्कूल का है, स्टेशनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, स्टाफ सैलरी है, इलेक्ट्रिक बिल है, और जितने भी आपके एक्सपेंस की कैटेगरी के हेड हैं ना वो सारे एक मरतबा आपने इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। जब आपके हेड क्रिएट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप बिल करते हैं, बिल इलेक्ट्रिक स्कूल का बिल आया है September 23, यहाँ पे जो आप हेड डेस्क के बना चुके होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और 2500 का बिल है, ठीक है, आज की डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दें कि ये जो बिल है आप किस अकाउंट से पे कर रहे हैं, हम फीस अकाउंट से जमा बिल पे कर रहे हैं ये आप, ये इसी तरह जितने भी आपके डेली पे आपने स्टाफ को कोई सैलरी दे दी है, सैलरी सितंबर की, ठीक है, इधर स्टाफ सैलरी सिलेक्ट कर देंगे, इसमें जो है ना हम 5000 लिख देते, ज़्यादा नहीं लिखते, ये भी हम जो है किस अकाउंट से कर रहे हैं, हम फी अकाउंट से कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा हमारा फी अकाउंट ही चलेगा क्योंकि उसी में इनकम आ रही होती है। तो ये आप इधर कोई भी दो डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं कि एक्सपेंस कितने हैं, किसी भी हेड की अलहदा करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ये सारे भी आज आप कोई भी दो डेटों के 7500 आपके अखराजात हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब आप अकाउंट हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पे हम ऑल कैटेगरी देखते हैं तो ये देखें 3500 आपके बाकी हैं, 7500 के एक्सपेंस आपके अकर हो चुके हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ जाएंगे। अगर एक्सपेंस अलहदा करना चाहते हैं यहाँ पे तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो दो है ना एक्सपेंस आपकी, ये एक बिल आपने पे किया है और एक आसिफ शाह को सैलरी दी है सितंबर की, ठीक है, 7500 का ये नाइस मैसेज है इसमें, कोई भी आप जो स्लिप प्रिंट हो रही है उसके ऊपर ये मैसेज प्रिंट होता रहता है, ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी हमने कर ली हैं कवर, ये कर ली हैं, ये कर ली हैं, ये अब क्रिएट डेटाबेस है, ये जो सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है कंप्यूटर या लैपटॉप पे ये हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और उसी पे ही मैनेज होगा, किसी दूसरे कंप्यूटर पे ये शेयर नहीं होगा क्योंकि ये इसकी डेटा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। दूसरा ये है कि ये जो है इसी तरह से आपका चलता रहेगा, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस ये सारी ऑटोमेटिकली मैनेज होती रहेगी, आप जमा करते रहेंगे, यहाँ पर आप चेक
कर सकते हैं अकाउंट की हिस्ट्री कि आपकी जो है ना कितने किस किस की जमा हुई है, किस की जमा रहती है, वो सारी आपको डिटेल होता जाएगा। और यहाँ पे आपको अलर्ट करता रहेगा सिस्टम, जो रेड हो जाता है, जो उससे आपको पता चल जाता है ये ड्यू हो चुकी है, और जब तक वो जमा नहीं कराता ये रेड ही रहेगा। आप पूरे मंथ की चेक करना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप अगले महीने चेक करना चाहते हैं कि अगले महीने जो है ना मुझे टोटल कितनी रिसीविंग होनी है इसकी मद में, फीस की मद में, तो दो डेटा सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे 2500 की आपको रिसीविंग होनी है। जितने भी स्टूडेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 500 स्टूडेंट है, तो सारों को मिला के सिस्टम बताया जाएगा अगले महीने आपको इतनी रिसीविंग होनी है। ठीक है, होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, इधर सिस्टम आपको बता देगा कि इतनी रिसीविंग, अगर सारे जमा करा जाएंगे तो उतनी हो जाएगी, अगर वो कम है तो वो फिर डेफिनेटली कम होगा। तो ये इसका मुख्तसर तारुफ था इसमें जो है। बाकी ये सॉफ्टवेयर जो है ना जितने भी हम करते हैं कि सी या सी के अलावा किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, इसकी डी या ई ड्राइव में, उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो आपका ना डाटा का उसकी सिक्योरिटी रहे, डाटा सेफ़ रहे, क्योंकि नॉर्मल डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल होती है उसमें विंडो का इंस्टॉलेशन हमें करनी पड़ती है मुख्तलिफ टाइम के बाद। तो इसमें जब भी आप विंडो करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डी और ई ड्राइव में इंस्टॉल किया होगा तो ये एज इट इज़ आपका अवेलेबल रहेगा, आपको उसको जस्ट शॉर्टकट क्रिएट करना होगा, सॉफ्टवेयर आपका रन हो जाएगा। दूसरी बात ये है, एक ये इसकी ये सेफ्टी होगी। दूसरी बात ये है कि जब भी आप लॉग आउट क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट कर देता है बैकअप क्रिएट कर देता है, आपकी डेटाबेस का एक बैकअप किसी और ड्राइव में क्रिएट कर देता है, उसको आप कुछ दिनों के बाद कॉपी करके किसी और सेफ प्लेस पर रख लें, तो उसके बाद अगर खुदा नखास्ता आपका कंप्लीट कंप्यूटर जिस पे ये रन हो रहा है वो चोरी हो जाता है, तो जब बैकअप जब तक आपके पास अवेलेबल है किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे ये रिस्टोर हो जाएगा आपका कंप्लीट डाटा। तो ये इसका मुख्तसर तरफ था। आप ये वीडियो में अपने जैसे यूट्यूब चैनल पे इसको कंपाइल करने के बाद इसको आप अपलोड कर दूंगा, आप उसमें मज़ीद वाच कर सकते हैं, और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर लें, हम आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं 03333026763860, इस पर आप जो है व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर लें तो हम आपको ये जो है प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कुछ दिनों के लिए डेमो चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, चेक करने के लिए, तो वो भी आप गेट कर सकते हैं, हम आपको डेमो प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देंगे, ट्रेन सेशन देंगे आपको, तो वो आप चेक कर लें, और अगर आपको वो पसंद आता है तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें हमने लिमिटेड सा काम किया है, इसमें सिर्फ फ़ीस मैनेज की है, एडमिशन का, फ़ीस का और एक्सपेंस का, और आपके एम्प्लाईज़ और अकाउंट का, बाकी एग्ज़ाम और अटेंडेंस स्टूडेंट की अटेंडेंस इसमें नहीं है। इसमें जो एम्प्लाई हैं उनकी अटेंडेंस मैनेज हुई है, और स्टूडेंट की अटेंडेंस और जो है उसका क्या नाम है एग्ज़ाम वगैरह वो अब इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया, उसमें थोड़ा लेंथी हो जाता है प्रोसीजर, तो इसको हमने फिलहाल इतना ही लिमिटेड रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद किसी सॉफ्टवेयर या किसी ट्रेनिंग सेशन या किसी डेमो वीडियो या इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब आपको वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।